लेकिन सौभाग्यवश आज परमेश्वर गुरुदेव जी का जन्मदिवस है, श्री रामचंद्र जी का जन्मदिवस है, तारा माता का जन्मदिवस है, और वैसे ही लोगों में एक आस्था है, लोगों में कहा गया है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है शिरडी साई बाबा मुसलमान उनकी पूजा करने में। सच्चाई ये है कि क्या आज तक आपको पता नहीं था, हम पेड़ पौधे पत्थर सभी को पूजते हैं, इसलिए प्रकृति के साथ साथ हमारी जो इच्छा पूर्ण करेगा उसको पूछते हैं। कभी आप मुझे भी नमस्कार करते हैं, इसका मतलब आपको क्या हुआ, जहाँ आपकी इच्छा पूर्ण हुई वहाँ आप माथा टेक देते। मेरा कहना यही है कि शिरडी साई बाबा मुसलमान थे या हिंदू थे, ये जिनके समाधि पर उन्होंने अपने वचनों में लिख रखा था कि जो इस समाधि पर आके नमस्कार करेगा उसकी इच्छा पूर्ण होगी, और हम इस 1935 से लेकर आज तक करते हैं। आज हम इस भेदभाव को देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बारे में, लेकिन लाखों लोग आज ऐसा भारत में शायद ही कोई कोई गाँव होगा जहाँ शिरडी साई बाबा का मंदिर नहीं होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद साधनाएँ उनकी इच्छाएँ पूर्ण हुई, उन्होंने कोई साधना नहीं की, उन्होंने केवल कहा शिरडी को आ जाओ नमस्कार करो तुम्हारी इच्छा पूर्ण, कोई साधना कोई मंत्र कोई कुछ भी नहीं कहा, और लोगों को वो ईजी लगा साधना करने से, जो देश शिरडी नमस्कार करो इच्छा पूर्ण हुई, मंदिर बांधे इच्छा पूर्ण हुई, इसलिए वो लोग करने लगे और वो बढ़ते चले गए। अगर हम सच्चाई से देखा जाए तो कभी कभी मैं विचार करता हूँ शिरडी साई बाबा का अवतरण दिवस आज रामनवमी मानते हैं लोग, और उन्होंने जिस दिन समाधि ली वो दशहरा का दिन है। सच्चाई देखा जाए तो दशहरा का दिन रावण का मारा हुआ दिन है, हम रावण को उस दिन मारते हैं। तो ये क्या बताना चाहते थे, रामचंद्र जैसा जन्म हुआ और रावण की जैसा मेरी समाधि थी, क्या राम रावण को एकत्रित करके देखना चाहते थे, या इसमें क्या है, इनके जीवन का लक्ष्य क्या था? इस जीवन के लक्ष्य को देखकर मैं कहता हूँ कि उन्होंने दोनों पलटों को अपने पास लेकर चला, और आज उनका अवतरण दिवस है। परम पुण्य सरगुरुदेव सौभाग्य 21 अप्रैल रहने के कारण हम लेट से करते आ रहे हैं, और मिथिल चेतना केंद्र गत 30 वर्षों से गुरु जन्मदिवस मनाता है। मैंने कल आपको बता दिया था कि मैंने गुरु जन्मदिवस के लिए यही जगह क्यों चुनी, क्योंकि गुरु जी का वचन था जोशी तेरी चीज़ें हैं यहाँ लेने के लिए आ जा, और मैं आया। कल हम बहुत देर तक घूम कर आए, और फिर हम सब आने के बाद मैं रात के 12 बजे फिर साधना के लिए बैठ गया, और केवल गुरु से ये मांगने के लिए कि मैं जिस समय इन सभी लोगों को लेकर आया हूँ और ये लोग आए हैं बिना आपकी इच्छा से, तो हम यहाँ तक पहुँचना ही हमारे जीवन में बहुत कठिन कार्य है, हम नहीं पहुँच सकते। पहुँचे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और आपने हमें बुलाया होगा तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। अब आप ये बताएं कि प्रभु निर्णय तो लिया है कि हमने यहाँ आपका गुरु जन्म मनाने का, जैसे श्री रामचंद्र जी का भी आज जन्मदिन है, और हमने आज ये भी यही मनाने का निश्चय किया है। और माता दशम विद्याओं में माता तारा का भी आज अवतरण दिवस और जन्मदिवस कहलाया गया। मैं ये चाहता हूँ इन पांचों के जन्मदिन पर कल रात में जिस समय मैं साधना में बैठा तो गुरु ने कहा जोशी यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर तराई क्षेत्र है, ये बात अलग है कि यहाँ ऋषि धन जी के शिष्य जागृत है, चेतनावान है, और हम अपना काम अपना कार्य करते रहते हैं।
वे तैयार हैं कि जो गुरु जी ने वचन दिया था उसको हम पूर्ण करेंगे, हम जाकर आएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बस तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये केवल मेरा और मेरे गुरु जी के मध्य चलने वाली एक क्रिया है, और मैं चाहता हूँ कि ये क्रिया उसी तरह चले जैसा गुरु जी चाहते हैं। बहुत से लोग आना चाहते थे जो रुक गए, बहुत नाराज़ हो गए, उनके जीवन में भी कोरोना को हो या और कुछ को हो, गाड़ी को हो, सब लोग आने से रह गए, और बहुत सारे फ़ोन भी आए। तो मैंने कल व्हाट्सएप पे लोगों को सभी को कह लिख दिया हूँ कि मैं आपके लिए फिर एक बार सभी को लेकर कांचनजंगा जरूर आऊँगा। मैं वेट करने का हूँ, जो लोग नहीं आ सके उन लोगों के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। तब मैंने परम पूज्य सतगुरुदेव जी से यह बात पूछी कि जोशी आज भी कहता है तो मैं तेरे वस्तु तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं करूँ, मैं वो तपस्या करना चाहता हूँ जिस तपस्या को आप चाहते हैं, जिस तपस्या को आप करवाना चाहते हैं, तपस्या करो। तो तपस्या करके मैं उस जगह जाऊँ जहाँ आप मेरे से उन वस्तुओं को लिए थे और वो वस्तुओं को तुमने वहाँ रखा था, आपने उसके पीछे कोई ना कोई कार्य था। गुरु जी ने कहा कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की तराई में जहाँ बाबा महावता आदि ऋषि कल्पवृक्ष को हर पूर्णिमा के दिन वहाँ आते हैं और एक बड़ी सभा होती है और निर्णय होता है कि समाज में आप सब लोग किस तरह जाएं और क्या क्या कार्य करें। मैंने कहा है प्रभु यहाँ तक आए हैं, आप निर्णय करें कि आप हमें दर्शन दें, आप उन सिद्धाश्रम की वस्तुओं को हमें प्रदान करें। तो प्रभु ने सद्गुरुदेव जी का कहना था जोशी आज बौद्धों की आराध्या देवी तारा का जन्मदिन है और सारे बौद्ध और सिद्धाश्रम के योगी तारा साधना में और तारा की जन्मदिन स्मरण में लीन हैं, और आज भारत में रामचंद्र जी की जन्मदिन की लहर चली है, सब लोग रामचंद्र जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। आज मेरा भी जन्मदिन है, मेरे साधक भी सारी जगह जन्मदिन मना रहे हैं। इस शादी के उपलक्ष्य में आज मैं तुझे चाहता हूँ कि तेरी वस्तुओं तेरे तक तू चाहता है तो पैसा पहुँचा देता हूँ, और तेरे जो सब लोग यहाँ आए उनके ऊपर उस पर पुष्प वर्षा को करवा दूँगा, उस अभिषेक उस आशीर्वाद को प्रदान करूँगा जो कि जीवन में वो लोग निश्चित रूप से सिद्धाश्रम को देख सकें और सिद्धाश्रम के योगियों को देख सकें। मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ। रात में साधना के बाद मैंने गुरु से यह वचन लिया कि प्रभु हम आप तपस्या के माध्यम से, लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, कठिनाइयों में सर्दियों में बैठे रहते हैं, पंजाब में साधन स्वामी विवेकानंद जी ने गीत हम वो सब छोड़कर पूरी तरीके से स्वेटर मफलर सब लेकर यहाँ पर आपकी साधना संपन्न करें, फिर भी हम साधारण जीव है, आपका मंत्र जप करके हमने जो भी शक्ति पाई है उस शक्ति को लेकर यहाँ तक पहुँचे, आप हम पर कृपा करें। तो गुरु जी ने कहा जोशी आज जो सिद्धाश्रम के लोग जिस साधना को प्रातः करते हैं और सिद्धाश्रम के योगियों को यहाँ पहुँचने की बात कहते हैं या दर्शन देने की बात कहते हैं और वो सिर्फ मेरी ही बात मानेंगे, मेरी ही बात को मानते हैं, मैं कहता हूँ, मैंने कहा हाँ बोलिए, आपकी आज्ञा के बिना तो यह पत्ता भी नहीं हिलता और आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है और आप जो कहेंगे मैं वो करवाने के लिए तैयार हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा कि तेरे सभी साधकों को अगर उनके पास गुरुपालुका है तो गुरुपालुकाओं को या गुरुचित्र को सामने रखकर इसके ऊपर अष्टगंध या गंध लगाकर फूल चढ़ाकर उन चरणों में नमस्कार करके गुरुपालुका पंचक बोलकर मैं जो मंत्र बोलता हूँ, मैं ब्रह्मांड में आज मुझे बहुत जगह जाना है जहाँ मेरे जन्मदिन मना रहे हैं, सिद्धाश्रम में भी जन्मदिन मनाते हैं, आज गंधर्व अप्सराएं देवता देवलोक में भी मेरा जन्मदिन होता है, तो एक क्षण के लिए अगर मैं तू चाहता है कि मैं तू जहाँ साधना रखे वहाँ आऊँ
तो इस मंत्र की 16 माला उनको गुरु पद का पंचक करते हुए गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए उस मंत्र को तो उनको 16 माला करवा। मैं उनको जाने से पहले किसी न किसी रूप में आशीर्वाद जरूर दूंगा जो बुखार यहाँ आए हैं। मैं पहले आपको गुरुजी तारा माता रामचंद्र जी का अभिषेक करने बैठता हूँ, तब तक आपको वो विशेष मंत्र देता हूँ जिस मंत्र को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कल मुझे कहा था। आप अपना लेफ्ट हैंड हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखकर यही से मंत्र ले। आप 16 माला करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे। 16 माला करे तक आप मुझे आज मेरे ऊपर क्रोध भी करें कोई बात नहीं, भूख लगी है शुगर है सब मैं ठीक कर दूंगा, शुगर वगैरह सब खत्म। आप पहले मंत्र करो, बाद में सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करेंगे जब तक 16 माला नहीं करेंगे, यहाँ से जाने का नहीं। अगर आप जिस निश्चित रूप से यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को आपको करना ही है और उस कार्य को करके हमें जाना है। मैं और एक बार आपको विशेष रूप से हमारे आचार्य तीनों ब्राह्मण शशि शर्मा, मधुसूदन शर्मा और उदय शर्मा, इन तीनों को भी कल रात में मैंने आह्वान किया था 10 बजे। एक का फ़ोन स्विच ऑफ था, एक का फ़ोन सो गए थे, तीसरे का फ़ोन आ गया तो उसके ऊपर मुझे गालियाँ सुन पड़ी मधुसूदन शर्मा को, कौन बात कर रहे हैं मेरे दादा ये और मानता हूँ और फोन को डूब। अब मैं बोला ये चीज़ अगर हमारे विशेष ब्राह्मणों के लिए ये होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रश्न नहीं है, मैं आपको किया हूँ तीन बार फोन, आपको तीन बार फोन, इनको तीन बार फोन, आपका फोन निकाल कर देता। मैंने देखा आपका फोन स्विच ऑफ था, आपका फोन उठने के बाद ही नहीं हुआ और उनका फोन भी तीन बार किया, ये सब लोग साक्षी है। तो आपको मैं जहाँ ले जाना चाहूँगा, जहाँ इस कार्य के लिए आया था, आप उस कार्य से मुझे ये बहाना होगी कि मैं आपके लिए इतना प्रेम करता हूँ आप भारत नहीं आए। मैं कल रात में ही पूजा करवाने जाता था तारा हुआ इन चीज़ों के और आपने नहीं उठाया, तीन बार तीन नंबर पे अलग अलग पे फोन किया। अब ये जाने दो, आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही कार्य करते रहे। अभी
अभिषेक का कार्यक्रम होगा और मैंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को मैं एक बार लिख के दे देता हूँ या भेज देता हूँ आपके पास, और उसके बाद अभिषेक के बाद हम हवन का कार्यक्रम करेंगे। निश्चित रूप से मैं महान भट्ट, मैं वो तारा काम कर रहा, वो गुरु मंत्र करता या नहीं करता, ऐसा कोई भी अपना अहम सब मार दो, अहम को निकाल दो, तो मैं ये मंत्र क्या हूँ, मैं ये मंत्र नहीं करता, वो मंत्र, मैं जो मंत्र बोला हूँ, यहाँ आए हैं गुरु चरण में तो ये मंत्र करना ही है, मैं आज आज्ञा दे रहा हूँ ये मंत्र करना ही है।